subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो अनुपमा की बीमारी के ऊपर बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। क्या अनुपमा सच में हो जाएगी बीमार? क्या अनुपमा को सच में कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी? घुटने का तो ऑपरेशन ऑलरेडी होने वाला है। बात करते हैं पहले वही गुजारे जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अपडेट ये आ रही है कि अनुपमा को जो है आध्या मिल जाएगी, मगर अनुपमा को बीमारी लग जाएगी, अनुपमा बीमार हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया था, बीमार होना जायज सी बात है भैया। इतने जीवन में स्ट्रगल होगी, इतना कुछ होगा, इतना कुछ झेलेगा, तो कहीं ना कहीं अंदर से बॉडी में तो फर्क पड़ता है। अनुपमा अब लोहे की तो बनी नहीं हुई भाई। अनुपमा को हमने देखा कि पहले भी बहुत बार ऐसे चक्कर आते हुए दिखाई दिए। वो चक्कर आने का कोई रीजन होता है, क्यों इतनी देर से चक्कर आते हैं और शो में भी क्यों दिखाया जाता है चक्कर आना? तो हम जो कमिंग अप के प्रोमो में देखते हैं कि भाई अनुज और आध्या को अनुपमा मिला के जब जाने लगती है फिर से गिर जाती है, चक्कर आता है। हालांकि डीन के घर में उसने बहुत ही बढ़िया चक्कर का नाटक भी किया था। तो ये चक्कर आने के बाद यह है कि अनुपमा बीमार हो जाएगी, और अनुपमा बीमार हो जाएगी तो अब उसकी देखरेख कौन करेगा? अगर अनुपमा को कोई बड़ी बीमारी लग जाती है और अनुपमा के पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं है अपना ऑपरेशन कराने के, अनुज के हाथ पल में कुछ है नहीं। तो यहां पे अपडेट ये आ रही है कि डॉक्टर जब बड़ी फीस मांगेगा अनुपमा के इलाज के लिए हॉस्पिटल में, तो अनुज कपाड़िया एकदम से भौचक्का रह जाएगा। अनुज कुपाड़ी को समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या करूं तो क्या करूं, अपनी अनु के लिए कहां से पैसे लाऊं, कहां से पैसे लाऊं, क्योंकि अपना सब कुछ तो अनुज कुपाड़िया दे चुका है वर्षा और उसको अंकुश को। तो यहां पे दोस्तों खबरें ये भी आ रही है कि वनराज शाह, ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, हालांकि मैंने टाइटल में भी डाला है, अच्छी लगने वाली है भी नहीं है, पर बलराज शाह यहां पे अनुपमा के इलाज के लिए जो है पैसे खर्च करेगा। बलराज शाह का अनुपमा के साथ जो रिश्ता है वो ऐसा नहीं है कि अनुपमा को मरे ही देखना चाहता है। वो अनुपमा के लिए बलराज शाह के दिल में कहीं ना कहीं डीप डाउन एक रिस्पेक्ट है और एक वो जगह है। आपने देखा कि बीच में कैसे वो फिर से अनुपमा को पाने के लिए कोशिश कर रहा था, जो है जब अनुज छोड़ के गया था माया के टाइम पे अनुपमा को। तो वनराज की अनुपमा से प्रॉब्लम नहीं है, वनराज की अनुपमा की तरक्की से प्रॉब्लम है कि ये मेरे से ऊपर कैसे उठ गई। अनुपमा उसके रहमो करम पे रहे तो वनराज शाह खुश है, तो भैया इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा वनराज शाह को। तो अनुपमा की बीमारी होती है तो वनराज शाह भरेगा अनुपमा की फीस और वाह भी पिघल जाएगी। क्या कहना है आपको आपका इस अपडेट के ऊपर, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।